दोस्तों टेक्निकल प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है और मैं आपको आज इस वीडियो में टॉप 5 बेस्ट टैबलेट्स रिकमेंड करने वाला हूं जो कि आप 2020 में खरीद सकते हो। तो दोस्तों जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए हमारे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारी लिस्ट में जो पांचवें नंबर पे जो टैबलेट आता है वो आता है दोस्तों सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी S6 लाइट। जी हाँ दोस्तों इस टैब की बात करें तो आपको इस टैबलेट में एक 10.4 इंच की TFT डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है। साथ ही प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों आपको इस टैब में एक्सिनोस का 9611 वाला प्रोसेसर मिल जाता है जो कि बेसिकली 10 नैनोमीटर पे बेस्ड है। एंड GPU की बात करें तो दोस्तों आपको इस टैबलेट में माली का G72MP3 वाला GPU भी प्रोवाइड किया गया है। एंड रैम की बात करें तो दोस्तों आपको इस टैबलेट में एक 4GB की रैम मिल जाती है। एंड इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो आपको इस टैबलेट में दो वेरिएंट मिल जाती है, एक मिलती है 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, दूसरा वेरिएंट मिलता है आपको 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। एंड कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो दोस्तों आपको इस टैबलेट में सिंगल रियर कैमरा दिया गया है 8MP का, साथ ही फ्रंट कैमरा की बात करें तो आपको 5MP की एक सेल्फी शूटर भी दी गई है। एंड बैटरी की बात करें तो दोस्तों आपको इस टैबलेट में 7040mAh की बैटरी दी गई है जो कि आपके यूजेज के हिसाब से अच्छा खासा बैकअप आपको इस टैब में से देखने को मिल जाएगा। एंड इसमें दोस्तों आपको 15 वाट की फास्ट चार्जिंग भी प्रोवाइड की गई है। एंड प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तों आपको ये टैब की जो बेस वेरिएंट है ये करीब 27,999 रुपीज से मिल जाएगा। एंड दोस्तों मैं जो जो टैबलेट्स के बारे में आज इस वीडियो में आप सभी को रिकमेंडेशन देने वाला हूं उन सभी की प्राइस और थोड़ी बहुत डिटेल्स के साथ मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर देने वाला हूं। तो दोस्तों आप जाते जाते एक बार डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारी लिस्ट में जो चौथे नंबर पे जो टैबलेट आता है वो आता है दोस्तों सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी टैब S5e। जी हाँ दोस्तों इस टैबलेट की बात करें तो आपको इस टैबलेट में एक 10.5 इंच की सुपर एमोलेड वाली डिस्प्ले मिल जाती है। साथ ही प्रोसेसर की बात करें तो आपको इस टैब में स्नैपड्रैगन का 670 वाला प्रोसेसर मिल जाता है जो कि बेसिकली 10 नैनोमीटर पे बेस्ड है। एंड GPU की बात करें तो इस टैब में आपको एड्रीनो 615 का GPU मिल जाता है जो कि आपके टैब में अच्छा खासा गेमिंग इस टैब में वगैरह कर पाएंगे जो कि डेली टू डे यूजेज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एंड दोस्तों इस टैब की रैम की बात करें तो इस टैब में आपको 4GB की रैम मिल जाती है 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। एंड दूसरा मिल जाता है दोस्तों वेरियंट 6GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज। एंड कैमरा की बात करें तो दोस्तों आपको इस टैबलेट में 13MP का रियर सिंगल कैमरा प्रोवाइड किया गया है एंड साथ ही आपको एक 8MP का फ्रंट शूटर भी प्रोवाइड किया गया है। एंड बैटरी की बात करें तो दोस्तों आपको इस टैब में 7040mAh की बैटरी मिल जाती है 18W फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। एंड प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तों ये टैब करीब आपको 42,799 रुपीज से मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों ये जो प्राइसिंग है ये इसके बेस वेरियंट की प्राइसिंग है और इसकी हायर वेरिएंट की प्राइसिंग वगैरह जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारी लिस्ट में जो थर्ड नंबर पे जो टैबलेट आता है वो आता है दोस्तों एप्पल की तरफ से एप्पल आईपैड 7th जनरेशन। जी हाँ दोस्तों इस टैब की बात करें तो आपको इस टैबलेट में 10.2 इंच की IPS LCD मिल जाती है। साथ ही आपको इस टैब में एप्पल का A10 फ्यूजन वाला प्रोसेसर मिल जाता है। एंड GPU की बात करें तो इस टैब में आपको पावर VR7XT+ वाला GPU भी प्रोवाइड किया गया है। एंड रैम की बात करें तो दोस्तों आपको इस टैबलेट में मिल जाती है 3GB की रैम। एंड इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो आपको इस टैब में दो वेरिएंट मिल जाती है, एक मिलती है दोस्तों 32GB वाली, दूसरा मिलता है दोस्तों 128GB वाली। एंड कैमरा की बात करें तो दोस्तों आपको इस टैब में 8MP का एक रियर कैमरा दिया गया है, साथ ही 1.2MP का एक सेल्फी फ्रंट शूटर भी दिया गया है। एंड बैटरी की बात करें तो दोस्तों आपको इस टैबलेट में 8,827mAh की बैटरी मिल जाती है 18W फास्ट चार्जिंग के साथ। एंड प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तों ये टैब की जो बेस वेरियंट है वो करीब आपको 29,900 रुपीज से मिल जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे लिस्ट में जो सेकंड नंबर पे जो टैबलेट आता है वो आता है दोस्तों सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी टैब S6। जी हाँ दोस्तों इस टैब की बात करें तो आपको इस टैब में एक 10.5 इंच की सुपर एमोलेड वाली डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है। साथ ही प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों आपको इस टैब में स्नैपड्रैगन का 855 वाला फ्लैगशिप प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 7nm पे बेस्ड है जो कि आपके डे टू डे लाइफ यूजेज में बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस निकाल के देगा। एंड GPU की बात करें तो दोस्तों आपको इस टैब में एड्रीनो का 640 वाला GPU मिल जाता है। एंड दोस्तों इस टैब की रैम रोम की बात करें तो आपको इस टैब में मिल जाती है 6GB रैम के साथ 128GB वाली इंटरनल स्टोरेज वेरियंट। साथ ही दोस्तों आपको ये मिल जाती है 8GB रैम के साथ 256GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट। एंड कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो दोस्तों आपको इस
टैब में रियर साइड में डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें से कि जो प्राइमरी सेंसर है वो एक 13 मेगापिक्सल का, साथ ही आपको एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस भी प्रोवाइड किया गया है। एंड सेल्फी के लिए दोस्तों आपको इस टैब में 8 मेगापिक्सल की एक फ्रंट शूटर भी प्रोवाइड की गई है, जिससे कि आप अच्छा खासा सेल्फी वगैरह ले पाएंगे। एंड बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो दोस्तों आपको इस टैब में 7040 mAh की बैटरी मिल जाती है 15W फास्ट चार्जिंग के साथ। एंड प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तों इस टैब की जो बेस वेरियंट की प्राइसिंग है वो करीब आपको 53,999 से मिल जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं हमारी लिस्ट पे, फर्स्ट पोजीशन पे जो टैब आता है जिसको मैंने टॉप मोस्ट लाइनअप पे रखा है वो आता है दोस्तों एप्पल की तरफ से एप्पल आईपैड प्रो 2020। जी हाँ दोस्तों, इस टैब की बात करें तो आपको इस टैबलेट में 12.9 इंच की 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसकी डिस्प्ले ब्राइटनेस की बात करें तो आपको इस टैबलेट में 600 निट की ब्राइटनेस प्रोवाइड की गई है। एंड प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों आपको इस टैबलेट में एप्पल A12Z बायोनिक वाला प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है एप्पल के 8-कोर GPU के साथ। एंड रैम रोम की बात करें तो दोस्तों आपको इस टैबलेट में एक 6GB की रैम मिल जाती है। साथ ही इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो आपको इसमें तीन अलग अलग वेरिएंट मिलती है। एक मिलती है 128GB इंटरनल स्टोरेज, दूसरा मिलता है 256GB इंटरनल स्टोरेज और तीसरा मिलता है दोस्तों 512 इंटरनल स्टोरेज। एंड कैमरा की बात करें तो दोस्तों आपको इस टैब में एक डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है रियर साइड में, जिसमें से कि जो प्राइमरी सेंसर है वो एक 12 मेगापिक्सल का, साथ ही जो दूसरा कैमरा है वो दिया गया है आपको 10 मेगापिक्सल का। एंड सेल्फी की बात करें तो दोस्तों आपको इस टैबलेट में एक 7 मेगापिक्सल की फ्रंट सेल्फी शूटर भी प्रोवाइड की गई है, जिससे कि आप अपने सुंदर थोबरे का सेल्फी भी ले पाएंगे। एंड बैटरी की बात करें तो दोस्तों आपको इस टैबलेट में 9720 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है, जो कि अच्छा खासा आपको 2 दिन या 3 दिन का बैकअप प्रोवाइड कर देगा। और इसके साथ दोस्तों आपको एक 18W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाती है। एंड प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तों इस टैब की जो बेस वेरिएंट की प्राइस है वो करीब 71,900 से मिल जाती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको आज का टॉप 5 बेस्ट टैबलेट्स टू बाय इन 2020 का लिस्ट पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए हमारे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज की अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।